तो जी स्टार्ट करते हैं हमारा पहला मोटो ब्लॉग। आज हम निकल गए ऐसे ही, हमने सोचा चलो कुछ रिकॉर्ड करते हैं और चेक करते हैं कि भाई क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। तो हमने कही आज अपना पहला बनाने की ट्राई करते हैं। गली से बाहर निकल के कुछ मार्केट में काम था, क्योंकि ट्रैक पे जाना है और ट्रैक पे जाने के लिए चीज़ें कम ही नहीं पड़ रही हैं और बस आती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ आ जा रही है तो एक चीज़ भूल जा रहा है, एक चीज़ आ जा रही है तो एक चीज़ भूल जा रहा है। मतलब एक कहीं पे भी घूमने जाने की प्रिपरेशन करना इज़ वेरी बिग टास्क। हमें बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्री प्लान करना पड़ता है। उसके बाद भी एट द एंड क्या होता है कि चीज़ें रह जाती हैं, और मुझे पता है ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी तैयारी करी है, फिर भी कुछ ना कुछ रह गया होगा। अभी तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो मैं अभी भूला हुआ हूँ, कि मेरे को एक एप्पल की OTG चाहिए जो मैं अपनी हार्ड डिस्क में लगा सकूँ डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, वरना मैं अपने एप्पल के फ़ोन में जो भी मतलब आईफोन में जो भी करूँगा क्या कहते हैं वीडियो शूट लूँगा कुछ भी बनाऊँगा तो रह जाएगा फ़ोन में, हार्ड डिस्क में कॉपी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्टोरेज फुल हो सकता है। और जैसा कि सबको पता ही है पीलीभीत की छोटी सड़कें हैं और छोटी सड़कों पे भी गाड़ियाँ तो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है, मगर अच्छा लगता है। आप कहीं निकलो और निकलते ही मंजिल ख़त्म हो जाए, मतलब रास्ता ख़त्म हो जाए। छोटा सा शहर है, 10 मिनट में पूरा शहर घूम सकते हैं आप। तो मैं भी अभी जा रहा हूँ एक शॉप पे, वहाँ पे मुझे को क्या चाहिए, वहाँ पे मेरे को चाहिए था कि GoPro का ट्राईपॉड टाइप का कुछ मुझे मिल जाए, तो बट मैं गया था तो मुझे कुछ मिला नहीं। जिस भी शॉप पे मैं जा रहा था सबको GoPro दिखा रहा था, तो लोग इज़ लाइक ट्राईपॉड तो नहीं है बट मेरे को GoPro ज़रा दिखा दो, मैंने देखा नहीं है कभी। तो वही है कि यहाँ पे लोगों को क्रेज रहता है चीज़ों का, एक्सेसरीज का। तो वही फिर मैंने सबको GoPro का डेमो दिया। उनके पास काफ़ी बड़ा वाला ट्राईपॉड था जो कि मेरे को चाहिए नहीं था, वो काफ़ी स्टोरेज लेता है और इतना स्टोरेज मतलब मेरे को तो खैर चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया है और मेरे को सिर्फ एक बैग में कैरी करना है सब कुछ और फिर उस बैग को लाद के घूमते भी रहना है। ये वाली रोड सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली रोड होती है, अभी तो रात का समय है इसलिए वहाँ भीड़ कम थी तो मैं इजीली निकल गया, वरना जो टमटम चलते हैं वो बहुत ज़्यादा जाम लगाते हैं गलियों में, रोड में बहुत ही ज़्यादा मतलब जाम लगाते हैं, उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक को पास होने में। और ये तो हमारा स्टेशन रोड है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर थिंग इन आवर सिटी, तो यहाँ मैं आ गया हूँ। अभी मैं जाऊँगा फिर लौट के आ जाऊँगा। मैंने यहाँ पे GoPro निकाल लिया था बाइक में से, देखिए मैं वापस आ गया। तो मैं बता रहा था कि ये वाले जो रोड है यही पीलीभीत की लाइम लाइट है, बस जो मार्केट है यहीं आपको जो चाहिए यहाँ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। हिप्टो गुट्टू बरेली, फिर मैं मॉल में जाके थोड़ा बहुत सामान वामान लेके आया था, कुछ चीज़ें रह गई थी सब लेके आया। अभी तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, मैंने ऐसे मोटो ब्लॉग देखे हैं, लोग ब्लॉगिंग करने लग जाते हैं और बोलते रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आगे क्या बोलना है क्या बात करनी है। वैसे इस समय पीक विंटर टाइम चल रहा है, 24th of December, 23rd of December चल रहा है, तो अभी इतना ठंड लग नहीं रहा है मेरे को। मेरे को लगता है दिल्ली में ज़्यादा ठंड होता है, लास्ट ईयर की विंटर्स में मैं दिल्ली में था January to March, तो वहाँ काफ़ी ठंड है, यहाँ पे ठंड कम है। या तो मैं यहाँ घर में रह रहा हूँ तो इसलिए मेरे को मतलब फील नहीं आ रहा है कि ठंड ज़्यादा है या कम है। और दिल्ली में एज़ अ बैचलर रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, हालांकि मेरी तो आदत पड़ चुकी है रहने की। मतलब वही है कि वहाँ पे धूप नहीं मिलना, धूप के टाइम पे ऑफिस चले जाना, फिर ऑफिस में कहाँ धूप मिलती है, लंच के बाद थोड़ा बहुत टहल लिए तो टहल लिए, थोड़ी बहुत धूप वगैरह मिल गई बस।
बाकी मैंने यहाँ एक चीज़ नोटिस करी है, जो कार वाले होते हैं वो सारे लोग गाड़ी हाई बीम पे चलाते हैं। दे डिड नॉट नो डैट दिल्ली में हाई बीम पे कार चलाना इज़ अ पार्ट ऑफ फाइन। यू विल गेट फाइन इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन हाई बीम एंड इफ़ यू कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस को तो मतलब दिल्ली में इसलिए लोग यहाँ से जाते हैं, वो डरते हैं कि चालान कट जाएगा, क्योंकि दे डोंट नो द रूल्स, द बेसिक ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। हाई बीम में गाड़ी चलाने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सामने वाले की आंखों पे, देखिए सारी गाड़ियाँ हाई बीम पे हैं, सब एकदम आंखों पे चौंध आती है। कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि मैं गाड़ी लो बीम पे चलाऊँ, और अगर मैं देख रहा हूँ आगे से कोई नहीं आ रहा है तो मैं गाड़ी हाई बीम पे कर देता हूँ। जैसे ही मेरे सामने से कोई गाड़ी आती है मैं हाई बीम से लो बीम पे शिफ्ट हो जाता हूँ, जिससे सामने वाले की आंखों को प्रॉब्लम ना हो। तो अगर उसके साथ लोग गाड़ी चलाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ समझदार लोग होते हैं जो ऐसी गाड़ी चलाते हैं, यही रूल फॉलो करते हैं कि खाली रोड पे हाई बीम पे चलाइए, और अगर आपको कोई क्रॉस कर रहा है तो आप लो बीम पे शिफ्ट हो जाइए, जिससे उसकी आँख को दिक्कत ना हो या उसे परेशानी ना हो। इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैं बदनाम रस्सी के पास आया था यहाँ पे आसाम चौराहे पे, मेरे को कुल्लड़ वाला दूध पीना था। मेरे को यहाँ का कुल्लड़ का दूध बहुत पसंद है विंटर्स में स्पेशली, तो सिर्फ कुल्लड़ वाला दूध पीने के लिए और अपना गोप्रो का टाइम वार्प चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और टाइम वार्प के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, वीडियो में आपको दिख ही रहा है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है इस टाइम वार्प की, कि एकदम से मतलब टाइम लैप्स विद मोशन, हाइपर लैप्स और टाइम वार्प जो भी से बोलते हैं। बाकी पीलीभीत के चौराहों को तो बहुत सुंदर बना दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है, और हर जगह लाइटिंग है, हर जगह बढ़िया बढ़िया लाइट्स दे रखी हैं। थोड़ा भी रोड पे और काम करना है, रोड्स वगैरह अच्छी नहीं है, तो अगर रोड्स वगैरह पे थोड़ा और अच्छे से काम करें तो काफ़ी सही रहे, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये फ्लाई ओवर ने तो पीलीभीत शहर में जान ही डाल दिए, बिना इस फ्लाई ओवर के तो बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, और रेलवे क्रॉसिंग के बाद फिर काफ़ी जाम लग जाता था घंटे घंटे भर, छोटा शहर है, छोटे छोटे रोडें हैं, तो लोग फंसे रह जाते थे। ये फ्लाई ओवर बना के बहुत बढ़िया क्या है, आई डोंट नो किस गवर्नमेंट ने बनाया है, किसने नहीं बनाया, बट हाँ दिस इज़ गुड थिंग। और मैं देख रहा हूँ इंडिया में किसी भी शहर में जाओगे, कहीं भी फ्लाई ओवर होगा, तो ये जो फ्लाई ओवर के जो पिलर्स होते हैं इनमें मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट ने रूल ही डाल दिया है कि फ्लाई ओवर के पिलर्स में आपको तिरंगे वाला शेप की लाइटिंग देनी ही देनी है, तो वो चार चांद लगा देता है उसमें। तो ये अटल टनल है, मिनी अटल टनल पीलीभीत की एकदम से बंद है, मगर यहाँ बहुत धूल मिट्टी रहती है, यहाँ जाना मतलब पाउडर लगा के वापस आना। ये रोड थोड़ा सही हो जाए, क्लीन हो जाए, तो धूल मिट्टी आई गैस कम हो जाएगी, अदरवाइज धूल मिट्टी फंसी रहती है इसमें और पूरा बाल वाल सब खराब कर देते हैं, ऑब्वियसली चेहरा भी। तो बस इसके बाद मुझे थोड़ा सा और छोटे छोटे शॉप्स पे कुछ काम था, तो वो एक दो सौ सारे काम निपटा के मैंने आधे पौन घंटे के अंदर अपना ये घूमने का और ये ब्लॉगिंग का कर लिया। मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं, अदरवाइज मैं लाइव ही बोलता, तो ये मैं बाद में बोल रहा हूँ। ये देखिए इसका टाइम वार्प कितना मस्त काम कर रहा है। तो आई प्रेफर स्पीकिंग एट द सेम टाइम लाइव, क्योंकि उस समय जो ब्लॉगिंग करते करते जो बातें मन में आती हैं वो ज़्यादा बेटर रहती हैं, एक्सपेक्ट ये देखते हुए बोलना। तो कई सारे लोग मैंने देखा है दे यूज टू स्पीक लेटर ऑन, तो ठीक है वो भी कर सकते हैं, बट जो लाइव का या एक्सटम्पर का मज़ा होता है उसका तो खैर अलग ही बात होती है। तो आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पर, फिर आगे देखते हैं कि कैसे कहाँ मोटो ब्लॉगिंग करूँगा, कब करूँगा, और उसी मोटो ब्लॉगिंग में मैं ये ऐड करता रहूँगा अपनी वीडियोस। लेट्स सी, जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे ट्राई करूँगा बनाने का और जगह एक्सप्लोर करने का। थैंक यू, गुड बाय।